स्पेस के बारे में हमें बचपन से ही बता दिया जाता है, बट हमारे बुक्स पे स्पेस का कॉन्सेप्ट इतना डेप्थ नहीं होता है जितना वो एक्चुअली में है, क्योंकि स्पेस की बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो कि हर किसी को होनी चाहिए, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्पेस के बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज ही दी जाती है, जिस वजह से जो लोग साइंस को आगे तक कंटिन्यू नहीं करते हैं उनके माइंड में बहुत सारे ऐसे मिथ रहे जाते हैं स्पेस से रिलेटेड जो कि कभी क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो इसलिए आज इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मिथ बताने वाला हूँ या कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ स्पेस से रिलेटेड जो कि आप लोगों को बताई कुछ और गई लेकिन एक्चुअली वो कुछ और ही है, और इनमें से कुछ के बारे में तो आपको बताया भी नहीं गया होगा। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। नंबर वन, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रात में हमारे स्काई के अंदर जो टिमटिमाते हुए तारे आपको नजर आते हैं उनका एक्चुअल शेप क्या होगा, मे बी जैसे हमें प्राइमरी क्लासेस में एक स्टार की ड्रॉइंग बनाने सिखाई थी तो क्या वही स्टार्स का एक्चुअल शेप होता होगा। बट ये बात जान के आप में से कुछ लोग ऐसे शॉक होने वाले वो कि स्टार्स एक्चुअली में सन ही होता है एंड जो स्टार का एक्चुअल शेप है वो वही है जैसा हमारा सन का है। सारे स्टार एक्चुअली में एक रेड जायंट है और ये सभी इतने गर्म है कि इनमें से इतनी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है जो कि हमें ऐसे ट्विंकल करते हुए दिखती है। बट ये स्टार्स हमारी धरती से बहुत ही ज्यादा दूर है जिस वजह से ये साइज में बहुत छोटे दिखते हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में ये मिथ था तो आज ही से अपने सारे स्टार्स को एक सन की तरह देखना ना कि एक स्टार की तरह, क्योंकि ये स्टार्स हमारे सन से भी बहुत बड़े दिखते हैं और इन सारे स्टार्स में से कुछ स्टार्स के तो अपने प्लैनेट्स एंड अपने सोलर सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे अर्थ का है, और अर्थ का सन भी एक एक्चुअली में स्टार ही है जैसे बाकी स्टार्स है। बट हमने अपने स्टार को एक नाम दिया हुआ है जो कि है सन, जिस वजह से हमारे माइंड में यह मिथ है कि सन एंड स्टार्स अलग अलग चीज होती है। नंबर टू, टूटता हुआ तारा। ये वर्ड तो हमने किसी ना किसी मूवी या टीवी शोज में जरूर सुना होगा एंड कुछ लोग बोलते हैं कि टूटते हुए तारे से अगर विश मांगी जाए तो वो पूरी भी होती है, बट इस बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे क्योंकि ये हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। सो एक्चुअली में जिस चीज को आप टूटता हुआ तारा बोलते हो एंड तारे का मतलब होता है स्टार, तो एक्चुअली में स्टार कभी भी टूटते नहीं है ऐसे, और जो आपको ऐसे दिखाई देते हैं वो एक्चुअली में कॉमेट्स या मीटेराइट्स होते हैं या उनके कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं जो कि ऐसे आपको गिरते हुए दिखते हैं। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया कि स्टार बहुत बड़े होते हैं एंड बहुत गर्म होते हैं, अगर वो अर्थ के इतने पास भी आके गिरे तो अर्थ का पूरा नामो निशान मिट जाएगा। तो क्या आपके माइंड पे ये मिथ भी था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर थ्री, इफ अगर आप में से कोई लोग ऐसे है जो कि कॉस्मोलॉजी की कम नॉलेज रखते हैं देन ये पॉइंट उन लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आप लोग ये सोचते हो कि स्पेस बहुत छोटा है देन मे बी ये पॉइंट आपका ये मिथ क्लियर कर देगा, क्योंकि स्पेस टाइम के साथ बड़ा होता जा रहा है। एंड आप लोगों को ये बात पता होगी कि हमारा सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, पर एक्चुअली में ये गैलेक्सी ही इरफ नहीं है, इसके जैसी लाखों करोड़ों गैलेक्सी और भी एग्जिस्ट करती है हमारे यूनिवर्स के अंदर, और कुछ कुछ गैलेक्सी तो हमारी गैलेक्सी से कई लाख गुना बड़ी भी है, और ये सारी गैलेक्सी एग्जिस्ट करती है एक यूनिवर्स के अंदर। बट बात सिर्फ ये पे नहीं आती है क्योंकि यूनिवर्स से बाहर भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और अपने माइंड से ये कॉन्सेप्ट हटा लो कि एक ही यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यूनिवर्स के जैसे बहुत सारे ही यूनिवर्स हैं जिन यूनिवर्स को कॉपरेशन को हम बोलते हैं मल्टीवर्स। सो एक्चुअली में स्पेस बहुत बड़ा है, और कुछ थ्योरीज ये भी बोलती है कि बहुत सारे मल्टीवर्स भी कॉम्बिनेशन है एक सुपरवर्स का। सो एक्चुअली में हमारा स्पेस कितना बड़ा है वो तो अभी तक डिफाइंड नहीं है। नंबर फोर, आप लोगों ने ये बात तो सुनी हुई है कि एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो कि हमारी गैलेक्सी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और साइंटिस्ट का ये कहना है कि फ्यूचर में हमारी गैलेक्सी के साथ कोलैप्स करे। एंड इसी के साथ साथ बीच में थ्योरी ये भी आई थी कि ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कोई कोलैप्स अभी नहीं होने वाला है। तो एक्चुअली में जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी वो हमारी गैलेक्सी की तरफ तो बढ़ रही है, और वो भी एक नॉर्मल स्पीड से नहीं बल्कि एक बुलेट से भी तेज रफ्तार में हमारी गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इन दोनों गैलेक्सी का कोलैप्स अभी नहीं होने वाला है, इस कोलैप्स को होने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है, और वो कोलैप्स अभी नहीं होने वाला है एंड इस कोलैप्स को होने के लिए अभी हजारों लाखों साल है। और इसी के साथ साथ इस पॉइंट में मिथ ये भी है कि क्या एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी के कोलैप्स में अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो इस कोलैप्स में अर्थ तो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बट उस टाइम पे अर्थ के लोगों को एक ऐसा सीन देखने को मिलेगा जो कि वे लाखों करोड़ों सालों में दिखता है, क्योंकि वो सीन बहुत ज्यादा ही यूनिक होगा
जब एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से मर्ज कर रही हो। एंड बहुत सारे कॉस्मोलॉजिस्ट का ये कहना है कि इस कॉलेप्स में अर्थ को कोई नुकसान तो नहीं होगा, ना ही अर्थ के सोलर सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट उस टाइम तक इस जनरेशन तक कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं इस वीडियो को पार्ट टू भी जरूर लाऊंगा। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे मिक्स पसंद है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो गाइस, मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल।